रहमान रहीम, मेरा नाम इंजीनियर उमर और मैं आपकी खिदमत में आज खुद डीएचए बावलपुर आया हुआ हूँ। आप खुद देख सकते हैं मेरे बैक साइड पे डीएचए बावलपुर, जिसका ये मेन एंट्रेंस गेट है। और माशाल्लाह से अभी एक नई बैलेटिंग भी यहाँ पे हो चुकी है। सबसे पहले जो जो लोग जिन का फाइल जिनकी निकली हुई है, उन सबको सबसे पहले बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। और इस हवाले से, बैलेटिंग के हवाले से और प्लॉट के हवाले से, पोजीशंस के हवाले से, इन सब के हवाले से हम आज आपको एक भरपूर एक कम्प्रिहेंसिव आप एक वीडियो दिखाएंगे इनसाइड और आउटसाइड जो डीएचए बावलपुर जहाँ से वो स्टेपचे के अंदर। और इसकी स्टार्टिंग में चलते हैं। स्टार्टिंग में हम खुद यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हुए हैं। इसके तीन सेक्टर्स जो अभी तक डिवेलप हो चुके हैं वो सेक्टर ए, बी एंड सी है, ठीक है। और बाकी सेक्टर्स पे अभी मजीद काम हो रहा है। ए बी सी में ऑलमोस्ट लोग शिफ्ट हो चुके हैं, ये कनाल इसके अंदर आता है और लोग जो है यहाँ पे रहायश पजीर है। दूसरा यहाँ पे है विलास, वो भी हम आपके साथ विजिट करेंगे। सके, ठीक है, कुछ रोड्स अगर देखे तो माशाल्लाह बहुत वाइड रोड्स हैं, कारपेटेड रोड्स है, जो दरमियान की ग्रीन बेल्ट्स है, स्टेप बहुत लेवल का काम हो चुका है, ठीक है। और अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट और मज़े की बात यह है कि यहाँ पर लोगों का बहुत आना जाना हुआ है। मतलब कुछ लोग यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए आ रहे हैं, सेल परचेज बहुत हो रही है और हलचल है, सिटी के बिल्कुल मिड में है। अच्छा, नॉर्मली डी चेज का यही होता है कि वो सिटी से थोड़े से फासले पर बनाई जाती है, तो उसको डेवलप होने में टाइम लगता है। इसमें फिर लोगों के आने के लिए मुख्तलिफ टैक्टिक्स यूज़ करते हैं। और डीएचए बावलपुर में ये प्लस पॉइंट है कि ये बिल्कुल सिटी के मिड में है, ठीक है, इन द हार्ट ऑफ द सिटी है। यहाँ पर लोग ऑलरेडी आपको मतलब देख सकते हैं, ठीक है, इस वीडियो के अंदर भी लोगों का आना जाना यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ है। सो ऑलरेडी एक डेवलप्ड एरिया है, उस डेवलप्ड एरिया के अंदर अगर आपको डीएचए जैसा ब्रांड मिल जाए, ठीक है, सो कौन ऐसा होगा जो ख्वाहिश ना रखे कि मेरा भी एक प्लॉट हो डीएचए बावलपुर के अंदर।